हाल ही में सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुस्लिम वोटरों पर निशाना साधते हुए उन्हें लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में किया, जिसके बाद मुस्लिम वोटर से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हुए ईसी की तरफ से उन्हें लगी फटकार। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी पर सख्त कार्यवाही की और उन्होंने लगभग 48 घंटे की रोक उनके चुनाव प्रसार पर लगाकर बीजेपी को करारा झटका दे दिया। लेकिन बात की जाए बीजेपी के ही उम्मीदवारों की बोल मेनका गांधी के खिलाफ की, तो जया प्रदा हो या फिर हेमा मालिनी ने सबने निंदा की मेनका गांधी के उस बयान की, जो काफी ज्यादा घमंड में चुनौती देती नजर आई, मुस्लिम वोटरों को लेकर काफी ज्यादा अपने पद को दुरुपयोग करती नजर आई। सौरभ भास्कर ने फिर निशाना बनाया बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी पर। जी हाँ, फिर कहाँ चुप रहने वाली है स्वरा भास्कर। मौका मिला नहीं कि बीजेपी की इस कमजोर कड़ी पर स्वरा भास्कर ने लगाया अपना निशाना। जी हाँ, माने अगर खबरों की तो ट्विटर पर जो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ है स्वरा भास्कर का स्टेटमेंट, जिसकी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कड़ी निंदा करते हुए मेनका गांधी के खिलाफ एक पोस्ट शेयर करते हुए काफी ज्यादा टिप्पणियां की, उन पर सख्त निंदा करते हुए उन्हें बेइज्जत भी कर दी। स्वरा भास्कर ने इस बयान से अब पीएम मोदी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट मिलने पर पीएम मोदी काफी खुश थे और अपने भाषण में साउथ में पहुंचने के बाद उन्होंने कर्नाटक की कोचगुड़म से लेकर उन्होंने केरला तक यही बात कही कि मुस्लिम के सपोर्ट उनके साथ हैं और वो देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महिलाएं मुस्लिम भी हैं, जिन्हें लेकर मेनका गांधी की बातें अब पीएम मोदी के लिए बेहद ही ज्यादा चिंता करने की बात रही। बता दें हम आपको, बीजेपी पार्टी के अंदर मेनका गांधी जैसे कार्यकर्ताओं की गलती की सजा अब लोकसभा इलेक्शन में नुकसान के तौर पर चुकानी पड़ी है पीएम मोदी को, जब ईसी की फटकार 48 घंटे की उन्हें रोक के साथ लगानी पड़ी। एसपीएन 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।